वेरी फाइन गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. आई एम श्वेता अम्बरीश शर्मा फ्रॉम KMS फैशन. सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ऑन 21st of January 2022 हमारी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ गई है, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि UGC ने दिसंबर 2020 और जून 2021 की जो प्रोविजनल आंसर की है उसको लाइव कर दिया गया है. इसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है कि आप हर उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, अपने कोई क्वेश्चंस हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं, और साथ के साथ आपके जो डिस्प्ले हो गए हैं क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर्स, आपके रिस्पॉन्स, आपके और प्रोविजनल आंसर की भी. सो आप इसको एक्सेस करने के लिए आप इसी पे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक करेंगे डिस्प्ले ऑफ आंसर की चैलेंज फॉर UGC नेट. सो ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका एक ओपन, हम ऑलरेडी एक ओपन कर चुके हैं, तो आपका ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप पर्सन का नाम, जो भी आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस डालेंगे उनका नाम और सारी चीज़ें वैलिड वहाँ पर आपको फॉर्मेट आ जाएगा. या तो आप एप्लीकेशन और पासवर्ड के साथ एक्सेस कर सकते हैं या एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ के साथ एक्सेस करते हैं. देन दिस इज़ क्लेम्ड आंसर की लिस्ट. तो एक स्टूडेंट की हमने यहाँ पर ओपन की है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर होम साइंस. क्वेश्चन आईडी दे रखी है, करेक्ट ऑप्शंस दे रखे हैं, और अगर मुझे लगता है कि किसी के अंदर कोई क्वेश्चन मेरा ठीक है और NTA ने गलत कर रखा है, मैं किसी भी आईडी को क्लेम करना चाहती हूँ, तो वो यहाँ से हम इसको क्लेम कर सकते हैं. सो आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी को भी, आप पेपर वन एज़ वेल एज़ योर पेपर टू होम साइंस, किसी के लिए भी आप ये क्लेम कर सकते हैं. सो जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार NTA ने काफ़ी अच्छे से आंसर की प्रोवाइड की है. एक क्वेश्चन है जिसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है, तो उन्होंने उसी अकॉर्डिंग आंसर्स यहाँ पर दिए हैं. सेम वाइल यहाँ पर आप देखेंगे एक और, ये तो था हमारी प्रोविजनल आंसर की. ऑन द अदर हैंड वी गॉट आर रिस्पॉन्स शीट, कि ये क्वेश्चन आईडी है, ये पर्टिकुलर हमारा कोई भी एक क्वेश्चन है और उस पर हमने आंसर क्या मार्क कर रखा है. सो बाय दिस प्रोसेस यू कैन एक्सेस कि कितने आपके करेक्ट है और कितने आपके इनकरेक्ट हैं. सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि हाउ दे नो कि कितनी परसेंटेज है. सो गाइज, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हियर, सो फॉर एग्जांपल फॉर पेपर वन आपके 35 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट है, 35 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट है, एंड फॉर योर पेपर टू यू हैव 60 क्वेश्चंस दैट इज़ करेक्ट. सो 60 करेक्ट है, तो अब इसको आपने क्या करना है, यू नीड टू टोटल द क्वेश्चंस. सो यहाँ पर 95 क्वेश्चंस आपके टोटल हो गए हैं. यू हैव टू वेज, या तो आप क्या कीजिए, 95 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, सो ये आ जाएगा आपका 190, और देन आप 190 को डिवाइड कीजिए 300 मल्टीप्लाई 100, ज़ीरो से ज़ीरो कट, एंड ये आ जाएगा आपका 63.33%. करेक्ट. आइदर यू कैन डू 95 डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 150, देन ऑल्सो यू गॉट योर दिस पर्टिकुलर परसेंटेज, राइट. सो ये दोनों के दोनों हमारे वेरिएशंस हैं, दोनों के दोनों तरीके हैं. आप अपनी परसेंटेज यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत आराम से, इनटू 100 भी हो जाएगा ये, और आपको परसेंटेज आसानी से यहाँ पर निकल जाएगी. जिसको भी क्वेरी है कि किस तरह से परसेंटेज निकालें, तो वो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे आपकी परसेंटेज निकलेगी. आफ्टर दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि अगर हम अपनी कट ऑफ देखें, तो नवंबर 2020 की जो कट ऑफ थी फॉर नेट ओनली, इफ़ आई टॉक अबाउट नेट, तो वो 62% थी, और हमारी जो JRF की थी वो हमारी यहाँ पर थी 70.67. दिस आई एम टेलिंग यू फॉर जर्नल कैटेगरी, ओके. और जो हमारी EWS के लिए थी वो 56% थी और 66.67 थी. यहीं पर ही अगर हम अपना आगे पीछे जाते हैं और दिसंबर 2019 जर्नल के अंदर देखते हैं, तो जर्नल में 60% थी और JRF में 68% थी. जून 2019 के अंदर अगर हम देखते हैं, तो इट इज़ 53.33% एंड 65.33%. बैक 2018 दिसंबर, मैं तब से दिखा रही हूँ, तब से लिख रही हूँ, जब ऑनलाइन हमारा सेशंस हमारे स्टार्ट हुए हैं, सिलेबस हमारा चेंज हुआ है तब से. सो ये हमारी गाइस जर्नल की जो परसेंटेज है, ये मैं जर्नल की परसेंटेज की यहाँ पर बात कर रही हूँ. सो
62, 60, 53.33 एंड 54। जैसा कि इस बार बोला गया है कि एग्ज़ाम एज़ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा हार्ड टू मॉडरेट टू हार्ड, एक्चुअली नॉट हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड आया है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में वी कैन एक्सेस की 2% ऊपर और 2% नीचे हमारी जो परसेंटेज है वो जा सकती है। सो वी कैन एज्यूम कि 62-64 हमारी परसेंटेज जो है वो नेट की और 68-72 हमारी GRF की परसेंटेज जा सकती है। बाकी गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी, कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और साथ के साथ जो इसका सॉल्यूशन है कंप्लीट एग्ज़ाम का पेपर का वो भी जल्द ही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इतने आप अपना ये देखिए, यहाँ से आप अपनी जो आपका एग्ज़ाम शीट है उसको आप निकाल लीजिए, और किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में किसी चीज़ में कोई क्वेरी आती है तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। और गाइस अपने मार्क्स ज़रूर बताइए कितने हैं कितने नहीं हैं, और ताकि उसको इम्प्रूव करने में हम आपकी हेल्प कर सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।